हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त राहुल स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल राहुल इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूं, हमारी LG की एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, उसकी वीडियो है। दोस्तों, ये 7 kg की मशीन है और इसमें फॉल्ट ये है कि दोस्तों हमारा ड्रेन तो इसका सही काम करता है और जिसका वाशर है कपड़े धोने वाला, उसका दोस्तों टाइमर ख़राब हो गया था। और अब मैं आज आपको इसके अंदर टाइमर डालकर उसके कनेक्शन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि कई लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि हमें 7 तारों और 6 तारों का टाइमर कई बार हमसे सही नहीं लगता, तो आज मैं आपको उसी के बारे में बताऊँगा। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ से इसका टाइमर निकाला हुआ है जो कि ख़राब हो गया था। ये देखिए, मैं इसका यहाँ से कवर खोल लेता हूँ। ये देखिए, हमारा यहाँ पर टाइमर लगेगा। ये हमारा ड्रेन का होता है क्योंकि 2 तारों का टाइमर होता है। ये भी बिल्कुल आसान है लगाना, तो आज मैं आपको दोस्तों इसके बारे में बताऊंगा। ये देखिए, यहाँ पर एक इसका यहाँ पर टाइमिंग का होता है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, हमारे यहाँ पर वॉच टाइमर होता है, ये टाइमिंग का काम करता है जो इस साइड का होता है। और जो इस साइड आई हमें हैवी नॉर्मल किस बेस पर चलानी है मशीन, उसके लिए होता है। तो हम यहाँ पर इसका टाइमर लगा लेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको टाइमर दिखा देता हूँ जो मैं इसमें न्यू टाइमर लगाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, हमारा ये टाइमर है, ये 42 मिनट में टाइमर है। और यहाँ पर ये देखिए, निम्बुस कंपनी का टाइमर है ये, जो कि ओरिजिनल हमारा LG में कंपनी निम्बुस का ही डालती है, निम्बू का। तो अब हम यहाँ पर ये देखिए, इसकी वायर के बारे में बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जो हमारी ये वाली है पर्पल, ये हमारी बैंगनी से कलर की है जो वायर, ये हमारी ये बजर की होती है। और उसके बाद हमारी दोस्तों ये ब्लैक है, ये मेन की होगी जो हमारा फेस पर लगेगी। और ये देखिए दोस्तों, जो हमारा यहाँ पर ये रेड है, ये हमारी जो मोटर को एंटी क्लोज वाइज घूमती है, जो कनेक्शन ये कैपेसिटर पे लगता है, ये है वो है। और ये भी हमारी कैपेसिटर पर जाती है, जो मोटर का इधर उल्टा सीधा घूमने के लिए होती है वो वायर है। ये दोस्तों हमारी न्यूट्रल है। तो ये दोस्तों न्यूट्रल हमारी 2 निकली होती है, क्योंकि इनमें से एक हमारी बजर पर जाती है। मैं आपको बजर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा बजर लगा हुआ है। जब हमारी मशीन का टाइम पूरा होने लगता है तो ये वाइब्रेट करता है, जिसकी आपने कई बार मशीनों में आवाज़ सुनी होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं इस टाइमर को फिट कर लेता हूँ पहले। जो ये हमारा टाइमर है, इसको फिट कर लेते हैं। आपको दोस्तों, अगर कभी भी वायर नहीं पता लगती कोई भी टाइमर की, तो सबसे पहले दोस्तों उसकी हमेशा ऐसे अपनी साइड रखकर, सीधा रखकर टाइमर तो आप इस तरह लगा सकते हो। सबसे पहले इसकी वायर होती है जो बजर की होती है, उसके बाद दोस्तों मेन होती है, उसके बाद हमारी ये एंटी क्लॉक वाइज 2 वायर होती हैं, तो उसके बाद दोस्तों हमारी ये न्यूट्रल है। इस तरह आप पता कर सकते हो। न्यूट्रल हमेशा दोस्तों हमारी यहीं से निकलेगी, मोटर की जो कनेक्शन होता है इस टाइमर के, यहाँ से हमारी न्यूट्रल निकलती है। ये हमेशा आपको न्यूट्रल में ही देनी है। आप अगर मेन में दे देते हो और फिर यहाँ पर भी आप इसको कनेक्शन करते हो तो ये नहीं टाइमर चलता सही तरीके से। तो आपको ये न्यूट्रल ही लगानी है, ये वाली वायर जो हमारी यहाँ से निकल रही है डब्बी से। और इस टाइमर में दोस्तों, यहाँ पर 7 तारों वाला भी आता है कई टाइमरों में, तो उसके अंदर दोस्तों हमारी जो यहाँ पर 2 वे होती है वो हैवी नॉर्मल के लिए या सिलेक्टर यहाँ पर लगा देते हैं इसके अंदर, उसके लिए एक एक्स्ट्रा दे देते हैं। जो हमारी फेस की होती है वो हमारी 2 वे के लिए लग जाती है, वो वायर होती है। तो मैं आपको अगली वीडियो में इसी टाइमर के बारे में बताऊँगा, जो हमारे 7 तारों का होता है उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, मैं ये टाइमर फिट कर लेता हूँ अपने यहाँ पर पैनल के अंदर। यहाँ पर टाइमर फिट कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर ये देखिए हमारा लेता हूँ। ये देखिए, हमारे ये तीर का निशान ऊपर की साइड रहेगा, बेस की साइड। ये देखिए इस तरह, अब मैं इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ इस टाइमर को। ये देखिए, यहाँ पर दोस्तों एक लॉक है इसका, ये आपको दबाना पड़ेगा लॉक। ये देखिए लग गया है। और अब यहाँ पर हम नट लगा लेते हैं। पर ये देखिए दोस्तों, इसके नट कसती हैं टाइमर के। अब दोस्तों हमारी एक जो ये वाइट वायर है, हमारी जो न्यूट्रल है, हम यहाँ पर लगा देंगे। ये देखिए बजर के अंदर, ये मैंने यहाँ पर, आप बजर के अंदर कोई भी वायर लगा सकते हो, चाहे इस साइड न्यूट्रल लगा दो, चाहे इस साइड न्यूट्रल, इसमें कोई भी है, क्योंकि ये 220 पर ही ऑपरेट होता है ये बजर। तो अब हम यहाँ पर ये देखिए, जो हमारी फर्स्ट वायर होती है टाइमर की, वो हम यहाँ लगा देंगे। ये देखिए, ये हमारी लग गई, हमारे बजर का हो गया यहाँ पर काम। तो अब ये दोस्तों, जो हमारी ये वायर बची हैं, हम यहाँ से इसके स्ट्रिपों में लगा कर, जो ये स्ट्रिपें बनी हुई हैं यहाँ से, ये देखिए ये वाली, हम ये वायर लगाकर हम यहाँ पर ये वायर निकाल लेते हैं। फिर मैं जो हमारे यहाँ पर नीचे होते हैं बेस पर, इसके यहाँ के कनेक्शन बताता हूँ कि हमें यहाँ पर क्या कौन सी वायर का कहाँ पर कनेक्शन करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे यहाँ से लगाकर वायर को नीचे लगा लेता हूँ। मैंने दोस्तों वायर यहाँ पर फिट कर दिए हैं। दोस्तों इसके यहाँ पर कई लॉक टूटे हुए हैं, जिसलिए सही तरह से यहाँ पर फिट नहीं हुई वायर। तो अब दोस्तों मैं इस पैनल को बंद करके नीचे की तरफ ये वायर निकाल लेता हूँ इस सुराख के अंदर। मैंने दोस्तों यहाँ पर ये देखिए वायरें निकाल ली हैं इसकी। अब चलिए दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पर देखिए कनेक्शन दिखाता हूँ। जो हमारी मेन लीड है, इसमें एक वाइट तार आ रही है और ब्लैक। दोस्तों इसके अंदर जो हमारी ये वाइट है, ये मोटर की और हमारे यहाँ पर मशीन की न्यूट्रल है,
कॉमन है ये देखिए। वैसे तो आप इसको फेस भी यूज कर सकते हो और न्यूट्रल भी, क्योंकि यहाँ पर हमने इसे न्यूट्रल बनाया हुआ है। ये देखिए ये हमारी जो मोटर की वाइट तारे हैं ये इससे में ही ज्वाइंट है। देखिए ये वाइट तारे हैं जो मोटर की कॉमन हमारी होती है वो हमने वाइट ही बनाई हुई है। तो आप इसको जिस तरह से करना चाहो वो कर सकते हो। तो ये देखिए अब दोस्तों हम इन कनेक्शनों को करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमारी जो ये वायर है ये हमारी फेस में जुड़ेगी, मतलब ब्लैक वायर में जुड़ेगी जो ये वायर है हमारी जो टाइमर से आई हुई है फेस की। तो ये हमारी यहाँ पर जुड़ेगी ये ब्लैक वायर के अंदर, और इसी के अंदर ही दोस्तों एक हमारी जो ये ड्रायर का टाइमर होता है उसकी भी लगेगी ये वाली जो हमने यहाँ से कटिंग की हुई है। तो सबसे पहले मैं इसे जोड़ लेता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पर कनेक्शन कर दिया है देखिए फेस वायर का। अब दोस्तों हम यहाँ पर वाइट में न्यूट्रल जोड़ लेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो हमारी वाइट है हम यहाँ न्यूट्रल जोड़ देंगे। और ये देखिए दोस्तों जो हमारी कैपेसिटर से हमारी मोटर उल्टे सीधे चक्कर में चलती है, ये कैपेसिटर से जो वायरें आती हैं और हमारी जो ये मोटर के यहाँ पर लगती है, देखिए जो हमारी मोटर उल्टे सीधे घूमती है उसकी वायर होती है एंटी क्लॉकवाइज घूमती है जो, ये देखिए इसके अंदर हमारी यहाँ पर ये देखिए येलो लग जाएगी। और हमारी जो यहाँ पर दूसरी वायर है ये देखिए मोटर को उल्टे सीधे चक्कर पे घूमती है जो, ये देखिए रेड हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो ये हमारे कनेक्शन हो गए दोस्तों मोटर के। अब दोस्तों हमारे यहाँ पर न्यूट्रल फेस के भी कनेक्शन हो गए हैं। तो मैं इसको पहले कनेक्शन कर लेता हूँ, आपको समझ आ गया होगा कि हमें किस तरह कनेक्शन करने हैं। तो अब मैं यहाँ पर इसको कनेक्शन कर लेता हूँ और फिर हम इस मशीन को चला के देखते हैं। अगर आपके पास दोस्तों यहाँ पर कैप होती है जो कंपनी हमें यहाँ पर देती है लॉक वाली वो लगा सकते हो, या पर आप इसको अच्छी तरह टेप कर लें। कई बार ये कवर लोहे का होता है दोस्तों तो उसमें करंट आने का खतरा होता है, इसलिए आप अच्छी तरह इसे कनेक्शन कर लें। तो चलिए दोस्तों मैं इसे फिट कर लेता हूँ प्रॉपर तरीके से, टेप वगैरह कर देता हूँ यहाँ पर कि तारें वगैरह का जाल भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए मैं जिस तरह से काम करूँगा अभी, मैं पहले आपको यहाँ पर सभी कनेक्शन करा करके फिर दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों वायर को अच्छी तरह से फिक्स कर दिया है, वायरों को टेप कर दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई भी गुच्छा वगैरह नहीं रहा तारों का। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह मैंने लेंथ वाइज इसको टेप कर दिया है। अब चलिए दोस्तों हम फाइनली इस मशीन को चला के देखते हैं। मैं यहाँ पर इसकी जो यहाँ पर कैप लगती है वो लगा लेता हूँ। ये देखिए हमारी ये कैप पड़ी है, ये देखिए अब मैं कैप को यहाँ पर लगा लेता हूँ। ये देखिए ये हमारी कैप लग गई है, अभी इसको भी लगा लेते हैं सिलेक्टर वाली। ये देखिए ये भी लग चुकी है, ये देखिए, और ये हमारा टाइमर है यहाँ से। ये देखिए ये वैसे काम नहीं करेगा दोस्तों जब तक इसकी मोटर नहीं चलेगी, जब हम इसे अच्छी तरह न्यूट्रल फेस से इसके नहीं जोड़ेंगे तब तक ये वापस नहीं आएगा और ना ही ये हमारी मशीन को चलाएगा वाशर को। तो चलिए दोस्तों मैं इसकी मेन लीड कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों मशीन की मेन वायर कनेक्ट कर लिया है। अब देखिए सबसे पहले मैं इसका ड्रायर चेक करता हूँ। ये देखिए मैं ड्रायर का टाइमर ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पर ड्रायर चल चुका है, आपको अब साउंड भी आ रही होगी। ये देखिए अब दोस्तों मैं यहाँ पर इसका वाशर चेक करता हूँ कि वो चला है कि नहीं। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ यहाँ से ड्रायर को। तो अब ये देखिए दोस्तों मैं इसका यहाँ से टाइमर ऑन कर लेता हूँ वाशर का। ये देखिए यहाँ पर दोस्तों मैंने ये टाइमर ऑन कर दिया और ये देखिए हमारा ये राउंड चल चुका है इसका। ये देखिए अब ये देखिए दोस्तों जो इसके राउंड है ये छोटे चक्कर में चल रहे हैं, मतलब राउंड पूरे ज़्यादा नहीं है इसके। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर जेंटल पे करा हुआ है, अब मैं यहाँ पर देखिए नॉर्मल पर करूँगा तो इसमें थोड़ा सा चक्करों में फ़र्क आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैं इसे स्ट्रॉन्ग पे करता हूँ तो देख इसके चक्कर बढ़ जाएंगे। ये देखिए जो राउंड है इसका कम से ज़्यादा हो जाएगा। ये देखिए ये लंबा चक्कर हो गया है इसका। अब तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा ये टाइमर भी ओके है और हमारी मशीन में जो चल रही है ये भी ओके है। अब ये देखिए ये सही तरीके से काम कर रहा है। आपको दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। जय हिंद जय भारत।